हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं पहली बार लाइव हुआ हूँ यूट्यूब पे। मैं इसे टेस्ट कर रहा था कि ये कैसे काम करता है। मैंने आज तक जो भी वीडियोस बनाए हैं ऑफलाइन बनाए थे, फिर मैंने उसे पोस्ट किया था। तो आज मैं फ्रेंड्स पहली बार लाइव हुआ हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी तरह से। मैं जो जो स्टेप्स बताते रहता हूँ, आप उसे पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो मेथड आपको बताता हूँ वो सबसे आसान मेथड है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हीं मेथड को फॉलो करके मैंने सीखा है। ठीक है, तो मैंने जिस मेथड से सीखा था माउथ ऑर्गन, मैं वही मेथड आपको बताता हूँ ताकि आप भी उसी मेथड से बहुत आसानी से सीख सकें। और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। हाँ, शुरुआत में होती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है जब शुरुआत में आप बजाने जाते हैं, तो दम नहीं रहता है उतना। कभी कभी आपको आवाज़ जो आप निकालने की कोशिश करते हैं वो सही नहीं होता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर जो घर वाले होते हैं वो आपका जो आवाज़ सुन के माउथ ऑर्गन का, शुरुआत में जैसे मैंने कहा है लेसन्स में कि अच्छी आवाज़ नहीं निकलती है, तो जो सुनने वाले होते हैं वो थोड़ा सा इरिटेटेड होते हैं आपकी वो पेपू पेपू सुन के। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, आपको टाइम निकालना है। आप 20-25 मिनट डेली निकालिए। 20-25 मिनट निकाल के आप एकांत में प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, एकांत में आप 20-25 मिनट प्रैक्टिस कीजिए डेली, और 20-25 मिनट से ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा तो इफेक्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा लंग्स पे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 20-25 मिनट बजाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम आसानी से बजा सकते हैं। और आप अगर 15 डेज, मैंने जो लेसन्स दिया है, अगर आप 15 डेज अगर आप सिंसियरिटी के साथ, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिएगा, ऐसा नहीं कि आज आपने बजा लिया 15-20 मिनट फिर आपने गैप दे दिया एक सप्ताह का, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, जो फ्लो होता है वो फ्लो मतलब टूट जाता है, तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। डेली आपको बजाते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और वही मेथड रेफरेंस सारे गम पधनी सा तीनों ऑक्टेव पे, ठीक है, लोअर ऑक्टेव में, मिडिल ऑक्टेव में और हायर ऑक्टेव में, ये आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ये आप 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप स्लो में प्रैक्टिस कीजिए, फिर थोड़ा सा इसे फास्ट में बजाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको हर एक होल्स के आवाज़ के बारे में नॉलेज आता रहेगा। ठीक है, और वो नॉलेज क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डेड होता रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, एक बार जब रिकॉर्डेड हो जाएगा फ्रेंड्स, तब आप कोई भी गाना बस आप माउथ ऑर्गन उठाएंगे, आपको ट्यून मालूम रहेगा, आप अपने आप इसे आसानी से बजाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई नोटेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फ्रेंड्स किसी तरह की आपको और किसी तरह की लेसन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जो साउंड्स हैं, 24 होल्स हैं, इसका जो साउंड है, फूकने पर क्या साउंड निकलता है, खींचने पर क्या साउंड निकलता है, ये आपको फ्रेंड्स रिकॉर्डेड करना है माइंड में। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना तीनों ऑक्टेव में। बार बार मैं यही कहता हूँ, तीनों ऑक्टेव में आप प्रैक्टिस कीजिए। तीनों ऑक्टेव में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक से लेकर 24 होल का जो आवाज़ है फूकने पर खींचने पर, वो आपको धीरे धीरे रिकॉर्डेड होता रहता है आपके ब्रेन में, और आपको वह आवाज़ आपको पहचान में आने लगती है। ये जब हो जाएगा फ्रेंड्स, तब समझ लीजिए आप कोई भी गाना बजाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 15-20 मिनट फ्रेंड्स डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब सारे गम पद ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, सारे रे गम 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 प, एक एक छोड़ छोड़ के आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सा ग रे म, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने जितने वेरिएशन है सारे गमे के, जितने आप वेरिएशन, पहले आप सा बजा लिए फिर आप ग में चले जाइए। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको मतलब आवाज़ जो सारे गम का जो आवाज़ है वो आपको अगर पहचान में आ जाए, जैसे आपको मैं कहूँ कि आप सा बजाइए, तुरंत जैसे आप सा निकल जाए, मैं आप बोलूँ कि आप प बजाइए, मिडिल ऑक्टेव प बजाइए, तो तुरंत आपको प आप निकल जाए, आपको खोजना ना पड़े। ठीक है, ये जब होने लगेगा फ्रेंड्स, तब आप समझ लीजिएगा कि अब आप माउथ ऑर्गन आप गाने बजाने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, फ्रस्ट्रेशन मत लाइएगा, डिप्रेस मत होइएगा। कुछ फ्रेंड्स मुझे मैसेज भेज रहे थे कि सर मैंने बहुत कोशिश की, अभी तक गाना नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स गाना निकलेगा। देखिए माउथ ऑर्गन एक जैसे गिटार होता है, वायलिन होता है, वो सब सीखने में भी कितने समय लग जाते हैं, 6 महीने एक साल लग जाता है। तो ये भी तो फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट है, इसे भी सीखने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, उतना समय नहीं लगेगा जितना कि गिटार और वायलिन बजाने में लगता है। ये आपको
15-20 दिन में एक आइडिया हो जाएगा, आप 1-2 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छे माउथ बजाने लगेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर एक जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसकी रिप्लाई देने के लिए मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो आज तक तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है। हर एक फ्रेंड्स का, हर एक वेल विशर्स का, हर एक सब्सक्राइबर जो आप लोग हैं, मैंने उसका आंसर दिया है, कोशिश की है कि आंसर देने की अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था लाइव, अगर आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे टिप्स देने की, और बताइएगा मुझे कैसा लगता है मेरा वीडियो, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स से ही मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्या आप लोग चाहते हैं मैं वो सब बातें बता सकूँगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा और सबको खुश रहिए। एक 26 जनवरी के लिए रिपब्लिक डे है, तो उसके लिए मैं एक गाना तैयार कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आजकल मैं वो गाना आपको देने के लिए, लेसन देने के लिए, ताकि आप 26 जनवरी के दिन आप उसे बजा सकें और लोगों को खुश रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर जल्द ही आऊँगा लाइव और आप लोग को और अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा माउथर के बारे में। ठीक है, तो सब आप लोग अच्छी तरह से रहिएगा, एन्जॉय योर डेज एंड ऑलवेज स्माइल इन लाइफ एंड प्ले माउथ ऑर्गन विद सिंसियरिटी डेडिकेशन एंड लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, टिल द नेक्स्ट लाइव वीडियो आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय।